हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो, हमें ये बताना है कि ए से लेकर डी तक जो हमें ये ड्रॉइंग गिवन है, इनमें से कौन सी ड्रॉइंग 2 × 1/5 को शो करती है, कौन सी ड्रॉइंग 2 × 1/2 को शो करती है, कौन सी ड्राइंग 3 × 2/3 को शो करती है और कौन सी ड्राइंग 3 × 1/4 को शो करती है। अब सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 × 1/5। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन है 1/5। अब फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक न्यूमरेटर जो ऊपर की तरफ होता है और एक डिनोमिनेटर जो नीचे की तरफ होता है। डिनोमिनेटर हमें यह बताता है कि टोटल पार्ट्स कितने थे और न्यूमरेटर हमें यह बताता है कि जितने टोटल पार्ट्स थे उसमें से कितने यूज हुए। तो डिनोमिनेटर है 5, तो डिनोमिनेटर से हमें यह पता चल गया कि हम जो ड्राइंग अब देखेंगे उसमें हमें 5 पार्ट्स चाहिए। अब देखिए ड्राइंग ये देखते हैं, इसमें तो 3 पार्ट्स हैं, यहां भी देखिए 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट है। बी ड्राइंग में देखिए सिर्फ 2 पार्ट है, इधर से भी 2 पार्ट है। सी ड्राइंग में देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हैं, इन सभी में 4 पार्ट है। अब डी ड्राइंग को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, डी ड्राइंग में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इनमें से कितना शेडेड है देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस ड्राइंग को, यहां पर भी एक ही पार्ट शेडेड है, इसको देखेंगे तो टोटल कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 पार्ट्स में से शेडेड कितने हैं, 1 पार्ट शेडेड है। यानी इन दोनों में ही जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1/5 बन रहा है। तो यहाँ जो फ्रैक्शन है वो कितना स्टूडेंट्स, 1/5, और ये कितनी बार हुआ, 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो 2 × 1/5। तो डी ड्रॉइंग जो है ये फर्स्ट पार्ट को शो कर रही है 2 × 1/5। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2 × 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमें वो ड्राइंग देखनी है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। अब देखिए ए ड्राइंग में क्या है, यहाँ तो 3 पार्ट है। बी ड्राइंग देखिए, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, यानी इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट है। और हमें भी टोटल कितना चाहिए था, 2 ही चाहिए था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 था। तो यहां पर देखिए 2 पार्ट है जिसमें से 1 शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, 1/2। यहां इसमें भी देखिए 2 पार्ट है और इसमें से भी 1 पार्ट शेडेड है, तो इसकी भी फ्रैक्शन क्या हुई, 1/2। यानी 2 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/2 इन दोनों में ही फ्रैक्शन है। और ऐसा कितनी बार हुआ, 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो 2 × 1/2, यानी 1/2 जो फ्रैक्शन है ये यहां पर 2 बार आया, 2 × 1/2। तो जो बी ड्राइंग है वो सेकंड पार्ट यानी 2 × 1/2 को शो कर रही है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3 × 2/3। अब इस फ्रैक्शन को देखिए, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3, तो डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 है तो हमें ऐसी ड्राइंग देखनी है जिसमें टोटल पार्ट कितने हो, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें बताता है कि टोटल पार्ट कितने थे। तो देखिए ए ड्राइंग को देखिए, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3। इस टाइप ड्राइंग में भी देखेंगे तो 1, 2, 3, और यहां पर भी 1, 2, 3। तो इन तीनों ही ड्राइंग्स में जो ए पार्ट में हमें गिवन है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हुए, 3, और हमें भी टोटल कितने चाहिए थे, 3। अब देखिए शेडेड कितने हैं, 2, यहां भी शेडेड 2 है, यहां भी शेडेड 2 है, तो इन तीनों की फ्रैक्शन भी कितनी होगी, 2/3। तो यहां पर देखिए फ्रैक्शन कितनी है तीनों की, 2/3, और ये कितनी बार हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ए जो ड्राइंग है वो हमें थर्ड पार्ट को शो कर रही है यानी कि 3 × 2/3 को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 × 1/4। अब यहां फ्रैक्शन देखिए 1/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब हमें ऐसी ड्राइंग देखनी है जिसमें टोटल पार्ट्स कितने हो, 4 हो। अब देखिए सी ड्राइंग को देखते हैं, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4, और यहां पर भी 1, 2, 3, 4, और इसमें शेडेड रीजन कितने हैं, 1, इसमें भी शेडेड पार्ट कितना है, 1, इसमें भी शेडेड पार्ट 1 है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/4।
यहां भी 1/4, यहां भी 1/4, क्योंकि टोटल पार्ट 4 है और उसमें से एक शेडेड है, तो इनमें फ्रैक्शन क्या आ रही है, 1/4। और ये कितनी बार आई, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 1/4 को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो जो सी ड्रॉइंग है स्टूडेंट्स, ये हमें फोर्थ ऑप्शन शो कर रही है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।